हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्ट्रैक। आज है 4 अक्टूबर 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल नेम्ड अटल टनल। हाल ही में अटल सुरंग नामक विश्व का सबसे लंबा हाई एल्टीट्यूड टनल का उद्घाटन किसने किए? इसका ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर और अमित शाह। और इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अटल टनल व्हिच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल एट रोहतक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया है रोहतक में। विश्व का सबसे लंबी ऊंचाई वाली सुरंग है। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और इस सुरंग का नाम हाल ही में निधन हुआ प्राक्तन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया है। अबाउट अटल टनल, द टनल इज लोकेटेड अबव द एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट। ये सुरंग 10,000 फीट के ऊंचाई पर स्थित है। इट इज 9.02 किलोमीटर इन लेंथ एंड 8 मीटर्स वाइड एंड ओवरहेड क्लियरेंस इज 5.52 मीटर्स। यह सुरंग लंबाई में 9.02 किलोमीटर और 8 मीटर चौड़ा है और ओवरहेड क्लियरेंस है 5.52 मीटर। द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सप्लाइड 9,000 टन्स ऑफ स्टील रिक्वायर्ड टू बिल्ड। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने 9,000 टन स्टील का आपूर्ति किए इसको निर्माण करने के लिए। द टनल इज लोकेटेड इन द पीर पांजल रेंज ऑफ हिमालय अंडर द रोहतक पास। ये सुरंग हिमालय के पीर पांजल रेंज में रोहतक पास में है। इट कैन कैरी 1,500 ट्रक्स एंड 3,000 कार्स पर डे विद अ मिनिमम स्पीड ऑफ  80 किलोमीटर पर आवर। ये 80 किलोमीटर पर आवर के न्यूनतम गति के साथ 1,500 ट्रक और 3,000 कार प्रतिदिन ले जा सकती है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉस्ट पोतोश्री अभियान स्कीम फॉर रोड रिपेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत के लिए पोतोश्री अभियान योजना शुरू की है? इसका ऑप्शन है असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और नानदीज। और इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ऑन October 1, 2020 वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर लॉस्ट पोतोश्री अभियान स्कीम फॉर रोड रिपेयर। 1 अक्टूबर 2020 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किए सड़क मरम्मत के लिए पोतोश्री अभियान योजना। द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू रिपेयर 7,000 stretches ऑफ रोड व्हिच इंक्लूड्स 12,000 किलोमीटर ऑफ रोड इन ए टाइम बाउंड मैनर। ये सड़क के 7,000 हिस्से की मरम्मत के लिए ये योजना की गई है जिसमें समयबद्ध तरीके से 12,000 किलोमीटर सड़क शामिल है। An amount of ₹500 crores have been allocated for the scheme and the work will be finished by December to January 2021. इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का राशि आवंटित किए गए है और ये काम दिसंबर जनवरी 2021 तक होने की संभावना है। About West Bengal, इसका गवर्नर है जगदीप धनखड़ और इसका चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। आज का तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हाल ही में किस संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स और नन ऑफ दीज। और इसका आंसर होगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑन October 1, 2020 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द इंडिजिनसली डेवलप लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 1 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सफलतापूर्वक विकसित स्वदेशी परीक्षण का परीक्षण किया है लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। द ऑपरेशन कंडक्टेड फ्रॉम मेन बैटल टैंक अर्जुन एट के रेंजेस इन अलमार्ट कॉर्पोरेशन सेंटर एंड स्कूल इन अहमदनगर महाराष्ट्र। इस मिसाइल का परीक्षण अहमदनगर महाराष्ट्र में की गई थी और ये की गई थी मेन बैटल टैंक अर्जुन एट के रेंजेस जो अर्मार्ट कॉर्पोरेशन सेंटर में है। द मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ अप टू 5 किलोमीटर और इस मिसाइल का रेंज 5 किलोमीटर तक है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय अर्मानेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे इन एसोसिएशन विद हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी। इस मिसाइल को विकसित किए अर्मानेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो पुणे में है और इसके साथ सहयोग किए हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने। आज का 14th क्वेश्चन है, व्हिच बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर तमिलनाडु फिशरमैन। तमिलनाडु मछुआरों के लिए हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है? इसका ऑप्शन है कर्नाटक बैंक, इंडियन बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। और इसका आंसर होगा इंडियन बैंक। ऑन October 1, 2020 इंडियन बैंक इंट्रोड्यूस्ड
किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर फिशरमैन इन तमिलनाडु। पहला अक्टूबर 2020 को इंडियन बैंक ने तमिलनाडु के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है। अंडर दिस स्कीम लोन्स अप टू ₹2 लाख एज वर्किंग कैपिटल कैन बी अवेल्ड विथ 7% इंटरेस्ट। इस योजना के तहत कार्यशील पूंजी के रूप में ₹2 लाख तक का ऋण 7% ब्याज के साथ लिया जा सकता है। दिस लोन विल बी प्रोवाइडेड अंडर द मुद्रा स्कीम एंड बोरोवर्स गिवेन ए रुपए किसान क्रेडिट कार्ड। ये ऋण मुद्रा योजना के तहत प्रदान किया जाएगा और उधारकर्ताओं को नए रुपए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अबाउट इंडियन बैंक, इसका MD एंड CEO है पद्मजा चुंदरू और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु। हाल ही में ICMR की वैक्सीन वेब पोर्टल किसने लॉन्च किए? इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर। और इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉस्ट ICMR वैक्सीन वेब पोर्टल एंड नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर COVID-19। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर COVID-19 के लिए लॉन्च किए। द वैक्सीन वेब पोर्टल विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू COVID-19 वैक्सीन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। इस वैक्सीन वेब पोर्टल के माध्यम से COVID-19 के लिए जो टीका भारत और विदेश में बन रहे उसका जानकारी प्रदान किया जा सकता है। द नेशनल COVID-19 क्लिनिकल रजिस्ट्री विल कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट्स, मैनेजमेंट्स, प्रोटोकॉल एंड आउटकम्स ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड COVID-19 पेशेंट्स इन इंडिया। ये राष्ट्रीय COVID-19 क्लिनिकल रजिस्ट्री COVID-19 मरीजों की डाटा एकत्रित करेंगी जो नैदानिक और प्रयोगशाला जांच उपचार के बारे में है और अस्पताल के प्रबंधक के प्रोटोकॉल और परिणाम के बारे में भी है। आज का छठा क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर गांधी अवार्ड ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन। महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के गांधी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, संजय सिंह और नानक दीज। और इसका आंसर होगा संजय सिंह। ऑन 2nd October 2020 ABJ जोश चेयरमैन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन अनाउंस्ड दैट संजय सिंह हैज चूजन एज द रिसिपिएंट ऑफ द 2020 गांधी अवार्ड। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष JBJ जोश ने घोषणा की है कि संजय सिंह ने 2020 गांधी अवार्ड की प्राप्ति की है। ही हैज रिकॉग्नाइज्ड विद द अवार्ड फॉर बीइंग इंस्ट्रूमेंटल इन द डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन ऑफ इंडिया टू रिमूव द इमेज ऑफ महात्मा गांधी ऑन द बियर बॉटल्स ऑफ मालका ब्रेवरी, ये इजरायली प्राइवेट कंपनी। उन्होंने इजरायली निजी कंपनी मालका ब्रेवरी बियर के बोतल पर महात्मा गांधी के छवि का हटाने के लिए भारत के राजनीतिक हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबाउट द अवार्ड, द गांधी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन कॉम्प्राइजेस ए स्कल्पचर ऑफ महात्मा गांधी, ए सर्टिफिकेट एंड ए कैश प्राइज ऑफ ₹25,001। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फाउंडेशन द्वारा स्थापित गांधी पुरस्कार में महात्मा गांधी की एक मूर्ति, एक प्रमाण पत्र और ₹25,001 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स आर ग्रीन किट फॉर COVID-19 डिटेक्शन। किस संस्था ने COVID-19 को पता लगाने के लिए आर ग्रीन किट विकसित किए? इसका ऑप्शन है ICMR, रिलायंस लाइफ साइंसेस, टाटा ग्रुप और नानक दीज। और इसका आंसर होगा रिलायंस लाइफ साइंसेस। रिलायंस लाइफ साइंसेस हैज डेवलप्ड एंड रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किट। रिलायंस लाइफ साइंस ने एक रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किट डेवलप किए। इट क्लेम्स टू डायग्नोस COVID-19 इन्फेक्शन इन अबाउट 2 आवर्स। ये लगभग 2 घंटे में COVID-19 संक्रमण का निदान करने का दावा करती है। द टेस्ट किट हैज बीन डेवलप्ड बाय कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट एट रिलायंस लाइफ साइंस, ए सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये परीक्षण किट को विकसित किए रिलायंस लाइफ साइंस के कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट ने जो रिलायंस इंडस्ट्री के सब्सिडियरी कंपनी है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। द एंड, थैंक यू।